नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक आपके लिए खास वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों कुछ इस तरह से वीडियो है कि आप अपने एक फ़ोटो को कई तरह से बदल के एक अमेजिंग एक इफ़ेक्ट दे सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसे यूज़ भी करते हैं, किसी के साथ भी आप शेयर भी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। आप इसके बारे में पूरा एक बार जान लें दोस्तों, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी अच्छी इसकी डाउनलोडिंग भी है और न्यू भी है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं, नए नए वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इट्स फ्री, कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना प्ले स्टोर दोस्तों ओपन कर लेंगे। आप प्ले स्टोर ओपन करते ही आपको ऊपर सर्च करना होगा इको, ECHO, इको आप सर्च करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे सेकेंड नंबर वाला मिरर मैजिक, आपको बस इस पर क्लिक करना है, इसे इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों सब इसे ओपन करेंगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगा आपके मोबाइल में। तो इस तरह जैसे ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट लिखा, आपको बस इस पर एक बार क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे गैलरी आपकी ओपन हो जाएगी, यहाँ पे गैलरी का इफेक्ट आ जाएगा। आप दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, काफ़ी इसके अंदर चीज़ें हैं। तो दोस्तों उसके बाद आप गैलरी पे जब क्लिक करोगे, यहाँ पे आप एल्बम में जाओगे, अपने एल्बम में आप कोई भी अपनी एक फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल के लिए एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ टेम्प से लेके। ये मैंने एक फ़ोटो दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, इस फ़ोटो को थोड़ी क्रॉप करना है, छोटा करके क्रॉप करना है। तो दोस्तों मैंने ये छोटा कर लिया, इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ। यहाँ ऊपर क्रॉप का ऑप्शन आया होगा, ऊपर के साइड में क्रॉप का ऑप्शन आ रहा होगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना होता है, यहाँ पे कैंची चलानी होती, बस आपको कुछ नहीं करना, उसके बॉडी से बाहर बैकग्राउंड की तरफ आपको बस कट का निशान लगाना है, जैसे दोस्तों मैं लगा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। बस आप ऐसी एक निशान लगा लो यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तो मैं जल्दी जल्दी में आपको ये बस ये बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। आप अच्छे से इसे बना सकते हैं दोस्तों, अपनी फ़ोटो को काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर डन करना होगा, यहाँ पर आप डन भी कर सकते हो, उसके बाद आपने डन कर देना है। तो मैंने यहाँ पर डन कर दिया। तो दोस्तों उसके बाद एक अलग सा इफ़ेक्ट मोमेंट बन के आएगा आपके सामने में, आप इसे देख सकते हो। दोस्तों उसके बाद क्या करना दोस्तों, आपको यहाँ पर आप अपना इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। आप इसमें कोई सा भी एक बैकग्राउंड लगा सकते हो, चाहे इस पर हो, आप इसके अंदर कोई सी भी से इफ़ेक्ट दे सकते हो, ऐसे दे किसी भी उसमें आप दे सकते हो अलग से। दोस्तों आप इसका बैकग्राउंड कोई और बढ़िया सा बेहतरीन सा बनाते हैं, कोई जो लगे कि हाँ काफ़ी अच्छा है। दोस्तों ये ऐसा नहीं लग रहा कि 11 प्लेयर की टीम खड़ी हो गई हो कहीं पर। आप इसको साइज को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। दोस्तों आप इसे कहीं पर भी इसे सेट कर सकते हैं, कोई सी बैकग्राउंड में लगा के। यहाँ पे नीचे बहुत सारे इसमें बैकग्राउंड है दोस्तों, कोई सी भी बैकग्राउंड में अपनी फ़ोटो को यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ऊपर से देखें, इसको चेंज भी कर सकते हैं, किस तरफ से रखना, किस तरफ से लाइट क्यों जाना, आप देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर। यहाँ पर काफ़ी अच्छे इफेक्ट हैं दोस्तों इसके, काफ़ी मज़ा आ रहा है देखने में। इसमें कोई से भी दोस्तों इसे लगा सकते हैं, ऐसे कुछ देख सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इसको, और इसे इलाके कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। देख लूँगे बहुत सारे बॉडीगार्ड आ रहे हैं लड़ाई करने के लिए। दोस्तों आपको कैसे लगा ये ऐप जरूर कमेंट्स करके बताएं और लाइक कर दें अगर आपको पसंद आया हो तो। अब ऊपर से इसे डाउनलोड भी कर लें, ये बताना मैं भूल गया था, बट दोस्तों ऐप बहुत अच्छा, यूज़ करके देखें और काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको इसे शेयर करने में कि दोस्तों को भी। तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक कर दें दोस्तों और एक कमेंट्स भी ज़रूर कर दें। ओके दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू, बाय बाय।